That's a surgeon. That's a surgeon. 4th year. Dear children, it is the class 8 subject class. I will read exercise 4A. So here oral assignment, just you take oral assignment. Oral assignment, just you see. There are very interesting questions. Question number 1. If root 3 plus root 8 is equal to 4, then A equal to question is very interesting. Such type of questions also ask to you in police exam mein aise sawal aa jata hai. So just you see here, four bhi batana hai aapko. Zara four aa raha hai, aakhir four kiska square root hota hai? 16 ka hota hai. Four kiska hota hai? 16 ka. इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 13 होनी चाहिए. 13 और 3 16 हो जाएगा. 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ठीक है ना? तो आखिर 13 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ क्या एक रूप क्या करेंगे? 169 है ना. तो 169 तो आप कैसे लिखोगे? सिंस रूट 16 इक्वल 4, ऐसा आप जान सकते. और रूट 16 को आप लोग कैसे लिखोगे? 3 प्लस 13, ध्यान देना. तो दैट भी प्लस थोड़ा रिवर्स में चलना पड़ेगा. 3 प्लस 13 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 169. इसका स्क्वायर रूट करोगे 13 आ. तो इसका मतलब एक ही जगह आपको क्या फिट करना है? ये चीज फिट करना. तो इधर के और क्या फिट करना पड़ेगा? 169. दैट द आंसर. कैसे आंसर है? तो ये सेंस हो गया अपना. यहां से देख लो, क्लियर? इस तरह से ये फिट करेंगे. तो द सच क्वेश्चन आल्सो डिपेंड ऑन थिंकिंग. आपके थिंकिंग पे डिपेंड करेंगे कि आप कैसे आंसर पाते हो. जस्ट यू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच एस वाई स्क्वायर माइनस टी इक्वल जीरो इज, ठीक है ना? क्या आप फिल करेंगे दैट? तो डियर स्टूडेंट ध्यान दो, आप जीरो कब हो सकता है? जीरो कब आता है जरा ध्यान दो यहां. जैसे टू में से क्या माइनस करते हैं कि जीरो आ जाए? तो टू माइनस टू इक्वल जीरो. बोलो तो यहां पे अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू टी आनी चाहिए, क्लियर? पूरे की, तभी तो यहां जीरो आता है. तो बाई की जगह आप क्या करना चाहते हैं? तो देखो जरा हियर एस वाई स्क्वायर माइनस टी लिखो, ध्यान देना. Near to 10 minutes, then please tell me. So, just you here,
s into t upon s आप लिख सकते हो और माइनस t आपको जीरो मिलेगा, s से s कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना अंडर रूट t अपॉन s का होल स्क्वायर, स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा माने वही आ जाएगा माइनस t और इक्वल आंसर जीरो आ रहा है, ऐसा की भी नहीं। तो जस्ट यू सी इसी को आप उसने कहा हुआ है एस वाई स्क्वायर माइनस टी इक्वल जीरो। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, तो स्क्वायर का हो अल्टीमेटली हेयर क्लियरली हेयर या हैंस हैंस किंतु यहां से हैंस y इक्वल क्या होता है रूट टी अपॉन s, चाहे ऐसे ऐसे लिखो रूट टी अपॉन रूट इन दिस वे दैट योर प्रॉपर आंसर। तो बाकी फिल हियर, यहाँ पे क्या फिल करोगे आप, यहाँ पे भरा जाएगा रूट टी अपॉन रूट s, ठीक है। कैसे निकला, ये जैसे निकला, तो इन दिस वे बाय इंस्पेक्शन आप इन्हें कर सकते हो कि कैसे आपका आंसर मैच करेगा, क्लियर। एक क्वेश्चन ये भी एस्टीमेट द स्क्वायर रूट, तो यू मे यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड देन यू माइट मे फाइंड वेरी इजीली, अदरवाइज यू मे डू इट दिस क्वेश्चन एज लाइक द एग्जांपल 26 गिवन एस पी एट पेज 24। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से ये आप अपना ओरल असाइनमेंट पूरा कर रहे हो। ओरल असाइनमेंट करने से क्या होता है, ब्रेन डेवलप होता है, रीजनिंग बढ़ती है, लॉजिक पावर बढ़ती है। तो इस तरह से आपने ये सब कर लिया, तो एस डब्ल्यू में आप ले सकते हो कि कंप्लीट ओरल असाइनमेंट अपना जितना ये ओरल असाइनमेंट है इसके प्रॉपर आंसर विद रीजन आपको लिखने होंगे, कंप्लीट ओरल असाइनमेंट जो कि मैंने डिस्कस किया है। थैंक्स विशेष गुरुदत्त, इतने आपका।